की। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे अ हुप ऑफ रेडियस, पहले ही वर्ड आपको मिल गया हुप ऑफ रेडियस। हुप का मतलब होता है कोई घेरा होता है। अब घेरे के लिए आप ये समझ सकते हो कि आपके पास ऐसा कोई घेरा हो या इससे बड़ा भी घेरा हो सकता है। तो यहां पे एक पर्टिकुलर रेडियस दे दी गई है, उतने घेरे का एक लूप होगा, मतलब हुप होगा। हुप का मतलब घेरा, और कितने रेडियस का घेरा है, 2 मीटर रेडियस का घेरा है जिसका वेट 100 kg आपको गिवन है, और वो रोल करता है किस पर, हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर। अगर वो रोल करता हुआ आ रहा होगा और आपको बोला जाए कि आपको उसे रोकना है, तो क्या करेंगे आप उस पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाएंगे इन द सेंस आप उस पर वर्क करेंगे, फोर्स लगा के उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जब आप उसे रोकने की कोशिश करते तो आप उस पर वर्क कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि अगर मुझे उस घेरे की टोटल एनर्जी पता चल जाए तो मैं कह सकता हूं कि उसको रोकने के लिए, उस घेरे को रोकने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो मैं बता सकता हूं। क्यों? क्योंकि घेरा जिस काइनेटिक रोटेशनल एनर्जी के साथ आ रहा होगा, घेरे के पास जो भी एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी जो भी होगी, अगर उतनी एनर्जी मैं लगा दूं वो घेरा रुक जाएगा। क्वेश्चन में कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है, समझते हैं। यहां पे हुप ऑफ रेडियस है तो मैं लिख देता हूं हुप ऑफ रेडियस कितनी है। हुप का मतलब घेरा है, मैं पहले लिख देता हूं घेरा। हुप ऑफ रेडियस कितनी है, हुप ऑफ रेडियस r इक्वल टू आपको दिया गया है 2 मीटर है, और मास कितना दिया गया है, मास आपको दिया गया है m इक्वल टू 100 kg दे दिया गया है, और वो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर ऐसे कुछ रोल कर रहा होगा, ऐसा कुछ घेरा है जो इस पर रोल करता हुआ आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है, आगे बढ़ रहा होगा। आपको इस पर फोर्स लगाना है, आपको क्या करना है, आपको यहां पर इस घेरे को रोकने के लिए आपको फोर्स लगाना है ताकि ये रुक जाए। तो इसका मतलब पहले इसकी टोटल एनर्जी तो पता करो, इसके पास टोटल एनर्जी है कितनी, ईटी क्या है, टोटल एनर्जी, अगर वो पता हो जाए आपसे, टोटल एनर्जी आपको पता करनी है। मैं टोटल एनर्जी पूरा लिख देता हूं, टोटल एनर्जी, अगर आपको टोटल एनर्जी मिल जाए तब आप बता सकते हो यहां से किसको रोकने के लिए, इस घेरे को रोकने के लिए आपको कितना वर्कडन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पूछा भी गया है कि टोटल वर्कडन आप बताइए कितना करना पड़ेगा, और कितनी स्पीड से चल रहा है ये घेरा, उसकी स्पीड आपको दे दी गई v। यहां स्पीड कितनी है, जो स्पीड है v वो v इक्वल टू है 20 cm/s। अब सेंटीमीटर को मीटर बना लेंगे, देखो क्या होता है, v इक्वल टू 20/100, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड, 0 0 कैंसिल कर लेंगे, यहां से वैल्यू मिल गई 1/5 मीटर पर सेकंड। चलो आपको वी भी मिल जाता है, आपको टोटल एनर्जी चाहिए, टोटल एनर्जी का फॉर्म लगा दीजिए, टोटल एनर्जी कौन सी, टोटल रोटेशनल एनर्जी, क्योंकि ये रोटेट करते समय चलेगा भी और रोटेट भी करेगा और चलेगा भी, तो इसके पास जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी जो होगी उसके पास, इसके पास वो होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर की होगी, और प्लस हाफ एम वी स्क्वायर भी होगी। इसको बोलते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, और इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये ट्रांसलेशनल है और ये रोटेशनल है। इस रोटेशनल को जरा चेंज कर लीजिए, जरा देखिए ये क्या चीज है यहां पे जो रोटेट हो रहा है, ठीक है, एक देखो यहां सबकी वैल्यू आपको दे दी गई है, तो यहां पे आई की वैल्यू पुट कर दीजिए और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, या ऐसा कर लीजिए आप आई को क्या ले सकते हो, एम वी स्क्वायर ले सकते हो, देखो 1/2 एम वी स्क्वायर, सॉरी एम आर स्क्वायर, क्यों लिखा मैंने वो बता दे रहा हूं आपको। देखो यहां पर क्या है, एक रिंग टाइप है, जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर ही तो होता है, लिख दिया, और ओमेगा क्या होता है, वी बाई आर होता है, तो वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा। आगे कितना लिखा है, 1/2 एम वी स्क्वायर है, यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा जाके यहां से आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा,
यहां से आ जाएगा 1/2 mv² और यहां से भी आएगा 1/2 mv² और यहां से देखो कितना आएगा ½ mv² ½ mv² तो ये हो जाएगा mv² आ गया। जरा इसकी वैल्यू पुट कर लो, m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू आपको दी गई है 100 दी गई और v की वैल्यू कितनी दी गई देखो जरा आपके पास, ये है 1/5 तो 1/5 कर दीजिए यहाँ पे, स्क्वायर कर लिया कितना आएगा जाके ये आ जाएगा 100 × 1/5 तो 25 आएगा। यहां इसको कैंसिल आउट कर लीजिए कितना आएगा 4 जूल आएगा। तो आप यहां से कह सकते हो ना कि रिक्वायर्ड वर्क डन क्या होता है, इसको ये इसको रोकने के लिए क्या करेगा, ये इसको रोकने के लिए यहां लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड वर्क डन फॉर स्टॉप द हुप इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, क्या है टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल एनर्जी आपने निकाल दी है तो वर्क डन यहां से निकल आएगा, W इक्वल टू टोटल एनर्जी आई है कितनी आई है वो आई है 4 जूल। सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाता है, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, केवल आपको कंसेप्ट समझना था कि कोई हुप है, कोई घेरा है जिसका मास है, कि उसकी स्पीड है और वो रोल करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो रोल कर रहा होगा तो उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशनल में ½ mv² होता है, रोटेशनल में ½ i² होता है। ½ i² मैंने i की जगह पर mr² इसलिए लिखा है क्योंकि घेरा है, रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² होता है, मैंने लिखा और उसको mv² के टर्म में कर दिया। mv² की वैल्यू मुझे पता है क्योंकि ½ mv² ½ mv² mv² होता है, सिंपल सा रिजल्ट आ जाता है 4 जूल, नोट डाउन कर लीजिए।